सोनडुंग गुफा को सबसे पहले एक लोकल किसान हो खान ने 1991 में ढूंढा था, लेकिन तब तक दुनिया को इसका पता नहीं था। बाद में 2009 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स हॉवर्ड और डेब लिम्बर्ट ने इस गुफा को एक्सप्लोर किया, तब जाके दुनिया ने इस चमत्कारी जगह के बारे में जाना। सोनडुंग गुफा दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है, जो 5 किलोमीटर लंबी और 200 मीटर ऊंची है। इस गुफा के अंदर पूरी तरह से एक अलग दुनिया है। बड़े बड़े स्टैलैग्माइट्स और स्टैलस्टीट्स, जंगल और अपनी खुद की नदियां हैं। गुफा के अंदर एक पूरी दुनिया छुपी है। यहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, जंगलों का एक सिस्टम है जिसे गार्डन ऑफ इडेन कहा जाता है। यहाँ तक कि एक अपना मौसम भी बनता है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे संसार में हैं। सोनडुंग के अंदर एक अपनी नदी बह रही है, जो गुफा के अंदर की जिंदगी को जीवित रखती है। यहाँ का एक अलग इकोसिस्टम है, जहाँ रेयर स्पेसीज मिलते हैं जो सिर्फ इस गुफा में पाए जाते हैं। इस गुफा के अंदर कुछ दुनिया के सबसे बड़े पत्थर हैं, जो 70 मीटर तक ऊंचे हैं। इन्हें देखकर आपको लगता है जैसे ये प्राचीन काल का स्तंभ है, जो इस जगह के पुराने होने की गवाही देते हैं। सोनडुंग गुफा के अंदर कैंपिंग करना एक अलग ही अनुभव है। एक्सप्लोरर्स यहाँ टेंट्स लगाकर रात भर गुफा के अंदर की शांति और प्रकृति का मजा लेते हैं। इस गुफा का एक्सप्लोरेशन इतना आसान नहीं है। इसके अंदर जाना और वापस आना दोनों ही रिस्की काम है। एक्सट्रीम वेदर और मुश्किल रास्ते इसके एक्सप्लोरेशन को और चैलेंजिंग बनाते हैं। सोनडुंग गुफा अब एक प्रोटेक्टेड साइट है और सिर्फ लिमिटेड लोगों को इस गुफा को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। वियतनाम सरकार इसी प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित रखने के लिए सख्त नियम बनाई हुई है। सोनडुंग गुफा एक ऐसी जगह है जो सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया है। ये प्रकृति का एक चमत्कार है जिसे सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपको कभी मौका मिले तो वियतनाम की इस गुफा को जरूर देखिए और इसके अंदर छुपी अलग दुनिया का अनुभव कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी, नई रियल स्टोरीज के साथ। आप हमारा कंटेंट रोज देखते होंगे, लेकिन ये अलग अलग कंटेंट्स आते हैं क्योंकि ये प्लेलिस्ट वाइज आते हैं। तो आप हमारा प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा, जिसमें कि हमने कुछ टाइटल्स बना रखे हैं, जो कि उसी अनुसार आपको हर हफ्ते मंडे से लेकर संडे तक नई कहानियाँ देखने को मिलेंगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ रहेगा।